बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी गुजर जाती है, वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर जिंदगी को ज़ाया कर दिया जाए तो ये इंसान के लिए पछतावे का बायस बन सकती है, ये इंसान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। और अगर ज़िंदगी को अच्छा गुजारा जाए, किसी मकसद के लिए ज़िंदगी को वक्फ कर दिया जाए, तो गुजर तो ये ज़िंदगी भी जाएगी, लेकिन इस ज़िंदगी का फ़ायदा है कि इंसान मुतमईन हो जाएगा, इंसान सुकून हासिल कर लेगा, एक किस्म का रूहानी सुकून उसे मिलेगा। जो भी मकसद ज़िंदगी गुजारता है उसे कोई सुकून नहीं होता, जबकि जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है वो उसके लिए काम करता रहता है, उसका जुनून बढ़ता ही जाता है और एक ना एक दिन उसे अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाता है। और जो सुस्ती और काहली से काम लेता है और अपने आप को ज़ाया और बर्बाद करता है, तो नाकामी और शर्मिंदगी उसका मुकद्दर होती है और वो एक ना एक दिन जलील वार होकर रहता है। तो हमें चाहिए कि हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें मकसद हो, क्योंकि मकसद में सुकून है और बेमकसद ज़िंदगी में ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं।